यूट्यूब के इस चैनल में सभी वीडियो का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमेशा प्रधान सचिव का कुछ नया बयान आता है एसटीटी को लेकर या फिर शिक्षकों की भर्ती को लेकर। ऐसे में फिर से प्रधान सचिव ने क्या कहा है सुनिए। जिलों से दोनों पदों के लिए आ गई है रिक्ति, अब सिर्फ कंपाइल होना बाकी है। देख सकते हैं गाइस, जिन्होंने आपको एक कहा है कि अब केवल कंपाइल होना जो है वो बाकी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली होगी पूरी। तो इन्होंने कह दिया है कि भाई जो प्रधान शिक्षक या जो भी प्रधानाध्यापक हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया इन्होंने कहा है कि अब जल्द से जल्द पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से लोग इंतजारी में थे कि भाई कब तक ये बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी, कब तक नियुक्ति का कार्यक्रम संपन्न होगा। ठीक है, और देख सकते हैं ऐसे में क्या लिखा है, जिलों से दोनों पदों के लिए आ गई रिक्ति, अब सिर्फ कंपाइल होना बाकी है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली पूरा कराने का लक्ष्य है। जिलों से दोनों पदों की रिक्ति आ गई है, अब कंपाइल होना बाकी है। संभावना है कि इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेज दी जाएगी। दोनों ही पद नए संवर्ग के हैं, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में समस्या नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले सत्र से स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाए। संजय कुमार, देख सकते हैं शिक्षा विभाग से खबर आ रही है। आगे देखिए गाइज, मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट खबर की ओर। देख सकते हैं शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर बोर्ड ने लगाई सत्यापन की मुहर। तो देख सकते हैं गाइज, रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिले के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भेजे गए थे जाँच व सत्यापन के लिए। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि जिले के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को जो है भेजे गए थे जांच और सत्यापन के लिए। तो शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर बोर्ड ने लगाई सत्यापन की मुहर, ये बात कह दी गई है, रास्ता हो गया है साफ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच व सत्यापन के लिए भेजे गए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के मैट्रिक व इंटर के प्रमाण पत्रों पर सत्यापन की मुहर लगा दी है। इससे सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रमाण पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो देख सकते हैं गाइज, नियुक्ति का प्रमाण पत्र जो है वो जल्द से जल्द मिलने की बात कही जा रही है। और देखिए लिखा है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर बोर्ड ने लगाई सत्यापन की मुहर, ये भी कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं क्या लिखा है, डीओ कार्यालय ने बिहार बोर्ड को भेजे थे मैट्रिक व इंटर के सर्टिफिकेट, अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रमाण पत्र मिलने का रास्ता हो गया है साफ। आगे लिखा है, देख सकते हैं गाइज, 629 मैट्रिक और 655 इंटर के प्रमाण पत्र भेजे गए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सत्यापन के लिए। तो ये भी अच्छी खबर आ रही है, और कहा गया है कि वह सत्यापन के लिए जो है प्रमाण पत्र जो भेजे जा रहे हैं, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलने का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखिए लिखा है, हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर ग्रहण। तो देख सकते हैं गाइस, ये भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं हाई स्कूल में शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर ग्रहण लगती नज़र आ रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस माह 30,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने के आसार नहीं है। पंचायत चुनाव के चलते अक्टूबर में ही कर दी गई थी स्थगित प्रारंभिक, देख सकते हैं कि काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ सकती है आगे। तो देख सकते हैं गाइज, बड़ी अपडेट आ रही है, हाई स्कूल प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति पर भी जो है वो ग्रहण लगता नजर आ रहा है। और लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन कार्यक्रम के तहत घोषित 14 से 22 दिसंबर तक की काउंसलिंग को तत्काल जो है प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह जाने के बाद अब राज्य के हाई स्कूल प्लस टू स्कूलों में 30,020 पदों के नियुक्ति कार्यक्रम पर भी जो है ग्रहण लगता हुआ आ रहा है। शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2021 को पंचायत चुनाव के चलते छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 29 जुलाई 2021 को जारी नियोजन शेड्यूल को अगले आदेश के लिए स्थगित कर दिया था। इसे स्थगित करते हुए जब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में कहा था कि पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के बाद नियोजन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने के लिए अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। गौर हो कि शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव के बीच भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी रहना
पढ़ दे सकते हैं, यहाँ पर लिखना रहना चाहता था इसके इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से भी अनुमति मांगी गई। बताया गया कि यह पहले से चल रही प्रक्रिया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अक्टूबर को ही नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने पर असहमति जताई थी। तो देख सकते हैं गाइज, आप देख सकते हैं लेट लतीफ़ी हुई है। पंचायत चुनाव के चलते अक्टूबर में ही कर दी गई थी स्थगित काउंसलिंग। प्रारंभिक की काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी बढ़ सकती है आगे। तो देख सकते हैं गाइज, लेट लतीफ़ी अब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी अब लंबा समय लग सकता है, क्योंकि विभाग ने जिस प्रकार से चींटी की चाल कदम रखकर आगे बढ़ना शुरू किया था, तो वो हाल ही अब कहीं ना कहीं देर लतीफ़ी होती नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर गाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगले सत्र से देख सकते हैं लिखा है कि स्कूलों में 45,852 प्रधान शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। तो ये भी लिखा है कि अगले सत्र से जो है स्कूलों में 45,852 प्रधान शिक्षक को नियुक्त होने की बात कही जा रही है। इस माह के अंत तक BPSC को रिक्ति भेजना, शिक्षा विभाग आवेदन लेने की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, रोस्टर क्लियरेंस में नहीं होगी समस्या। तो क्या लिखा है भाई कि अगले सत्र से स्कूलों में 45,852 प्रधान शिक्षक की नियुक्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है गाइज, आप देख सकते हैं कि 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग इस साल के अंत तक BPSC को प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,334 प्रधानाध्यापक की रिक्ति भेज देगा। शिक्षा विभाग को जिलों में रोस्टर के अनुसार रिक्ति मिल गई। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार 35% महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक होगी। और लिखा है कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं, यानी DA HR सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रति माह लगभग 45,000 से 47,000 रुपये मिलेंगे। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे नियुक्ति के साथ साथ सैलरी को लेकर भी बहस हुई है, सैलरी को लेकर भी बात कही गई है। ठीक है, इसमें DA वो देख सकते हैं लिखा है HR सहित अन्य भत्ता जोड़ने के बाद लगभग 50,000 से 52,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। तो देख सकते हैं गाइज, सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है, 50,000 से 52,000 रुपये कहा जा रहा है। सरकार के नियमित कर्मियों की तरह मिलेगा सुविधाओं का लाभ, और कहा गया है कि वह सुविधाओं के विभिन्न लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है। कौन कौन से लाभ होंगे वो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट किया गया है कि अगले सत्र से स्कूलों में 45,852 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। आगे क्या लिखा है, देखिए जिलों में दोनों पदों के लिए आ गई है रिक्ति, अब सिर्फ कंपाइल होना है बाकी। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे प्रधान सचिव ने भी कह दिया है कि दो जिलों से रिक्तियाँ आनी शुरू हो गई है, अब कंपाइल होना ही केवल बाकी है। आगे गाइस हम बढ़ें तो देख सकते हैं STT को लेकर भी रोज़ नए नए अपडेट आ रहे हैं। CWJC नंबर देख सकते हैं, सारण आलोक कुमार ने पेटिशनर हैं, तो ये केस लिस्ट देखिए सीरियल नंबर 118 पे है। और देख सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी लिखी गई है, और डेट ऑफ हीलिंग ये भी लिखा गया है, और कब तक इसकी सुनवाई होती है, कैरी फॉरवर्ड है ये भी अभी पेंडिंग में है। आगे देखिए गाइस, 12/12/2021 रविवार, ST19 और बिहार सरकार है बेरहम, अपना बिहार सरकार बहाली करने को नहीं है तैयार, ST19 पर करता अत्याचार से आश्वासन देता है बार बार। देखिए एक अभ्यर्थी ने यहाँ पे लिखा है, नियुक्ति हेतु आस लगाए बेरोजगार, पता नहीं कौन होगा नियुक्ति का सूत्रधार, ST19 के राह में रुकावटें आती अनेकों बार, अब बिहार का शिक्षा बन गया लाचार, नियुक्ति देना हो गया चुनावी व्यापार, हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस सिलसिलेवार, नियुक्ति हेतु बहुत जल्द आएगा हाई कोर्ट का विचार, अभ्यर्थियों को रहेगा हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार, जिससे हो जाएगा मेरिट लिस्टेड अभ्यर्थी का बेरा पार, ST19 ही करेगा बिहार के शिक्षा में सुधार, पढ़ा लिखा कर बच्चों में भरेगा स्वस्थ संस्कार, बच्चे समाज में हो जाएंगे सबसे मिलनसार, नहीं करेंगे किसी से भी आपस में टकरार, इरशाद उम्मीद करता है ऐसा होगा अपना बिहार, फिर से अपना शिक्षा प्रणाली को सलाम करेगा संसार, कभी नालंदा की शिक्षा ने निभाया था अहम किरदार, हेसांग और फाहेन ने किया था नालंदा शिक्षा को स्वीकार, इरशाद आशा करता है फिर से होगा बिहार में चमत्कार।
देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस चलिए इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आलोक में 15 जनवरी 2022 तक वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन पूर्ण किए जाने के संबंध में, तो देख सकते हैं गाइस ये पंचायत से विभाग से भी लेटर जारी कर दिया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था चल रही है उसकी प्रक्रिया को लेकर देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग और रंजीत कुमार का जो है लेटर जारी कर दिया गया है, ठीक है। और आगे देखिए लिखा है, आप देख सकते हैं गाइस खबर आ रही है कि टीटी मेरिट पर ही करे शिक्षकों की भर्ती। तो ये यूपी से खबर थी, तो इसे देखकर ये लगता है कि भाई एस टी टी मेरिट वालों की नियुक्ति पहले होनी चाहिए, ठीक है। और ये लेटर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद।